हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो आप पढ़ते हो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, सबसे पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द चार्जेस। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो ये जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो आज हम पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप रिलेटेड होते, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा, बेसिकली जो समराइज़ करके जो सारे चीज़ें होती हैं। और जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द कूलम्स फोर्स। मैग्नीट्यूड उसका कितना होता है, डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है कूलम्बिक फोर्स की। सपोज़ कि अगर Q1 एंड Q2 दो चार्जेज हैं, इन दोनों के दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है F, ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इसकी तरफ होगी या इसकी तरफ होगी, या प्योरली जो है मतलब मिड में होगी, कहाँ पे भी होगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर मटीरियल डायलैक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं घटाएं, मटीरियल चेंज कर दें दो चार्जेस के बीच में, यानी डायलैक्ट्रिक रखते हैं बिटवीन द चार्जेस, तो फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये भी डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ के फॉर स्पेस एंड डिफरेंट मीडियम, यानी कि जो डिफरेंट मीडियम है उसमें अगर हम जो है चार्जेस को लेकर जाएं तो फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और थोड़े बहुत जो है हम प्रॉब्लम्स इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। That is the definition, force between two charges are purely charged particles. यानी कि अगर दो charges हैं, suppose के Q1 and Q2, सही है, and ये जो है दो charges ये एक दूसरे पर force लगा रही हैं, तो force कैसा है ये हमको बता रहा है कि force between two charges are purely charged particles is directly proportional to its product of charges. यानी फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, सही है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मकसद ये है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो फोर्स सीधी तरह से इंक्रीज होगा, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि हम अगर इसको डबल करेंगे तो फोर्स चार टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मकसद यही है, सही है। सो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताई। तो फिर से जो इसका फार्मूला बनेगा ये है F = K Q1 Q2 / R², सही है। K जो है बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसका जो है वैल्यू 9×10⁻⁹ अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं, सही है। तो अगर हम K का जो है यूनिट निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, कि मैंने आपको बताया कि फोर्स का फार्मूला जो है दैट इज़ F = K Q1 Q2 / R². तो हमें K का वैल्यू या यूनिट चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर डिवाइड कर रही है, तो इज़ीक्वल के उस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ पर डिवाइड कर रही है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगी, और ये जो दोनों चार्जेस हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं तो वहाँ पर जाकर डिवीजन करेंगी। अब दोनों इनका यूनिट जो है वो होता है कूलम, तो इसको मैं कूलम स्क्वायर रख दूँ, सही है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन × मीटर² / कूलम² तो ये जो है ये यूनिट बन गया किसका, कांस्टेंट के का, जिसको हम न्यूटन × मीटर² / कूलम² बोलते हैं, सही है। अब हम डिपेंडेंस देखते हैं कि के किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो के जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मीडियम पर। के जो बराबर होती है वो होती है 1/4 πε₀,
तो इसका जो है वैल्यू हमें बराबर मिलता है 9×10⁻¹। सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको छोड़ दो हम यूनिट को, चलो लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो डिपेंड करती है 1/4 πε₀। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ε₀, ε₀ क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर आपने यहाँ पर कोई भी मीडियम, अगर Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, मैं यहाँ पर गिलास रख दूँ, गिलास इन दोनों के बीच में, यानी शीशा रख दूँ, शीशे का कोई टुकड़ा रख दूँ, कोई स्लेब रख दूँ, तो यहाँ पर जो है ER रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में ये जो है ये मीडियम आ जाएगा, जिसकी जो है अपनी वैल्यू होगी ER। तो वो वैल्यू आप अगर यहाँ पर रखोगे, तो पहले आप देखो 1/4 πε₀, सिर्फ ε₀ का वैल्यू था, यहाँ पर अब रिलेटिव परमिटिविटी का भी वैल्यू आ गया, तो K जो है ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वैल्यू ये डिनोमिनेटर में है। तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ दोनों चार्जेस के दरमियान मिलाने से उनका जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है, और K का वैल्यू भी डिक्रीज ही होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर का कांस्टेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया K=1/4 πε₀। तो इसमें देखो कि कहीं पर भी टेम्परेचर टी का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर चार्जेस का टेम्परेचर बढ़ा दें, डिक्रीज़ कर दें, या अगर गर्मी में रख दें, सन पे लेके जाएं, मून पे लेके जाएं, बाकी किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट डेट के मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। 1/4 πε₀ × ER अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ गई, तो K का जो वैल्यू है वो ओवरऑल डिक्रीज़ हो जाएगा, और फोर्स जो है डिक्रीज़ कैसे होगा, फोर्स जो है डिक्रीज़ कैसे होगा, तो वो मैं आपको बता दूँ कि फोर्स मैंने आपको बताया था कि बराबर है के Q1 Q2 / R²। सही है, अब फोर्स देखो के जो है सीधी सीधी कांस्टेंट यहाँ पर पड़ी है, तो अगर मैं इसका भी वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, तो ये जो है वैल्यू बन जाएगा, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 πε₀Q1। अब के की जगह पर हमने 4π₀ रख दिया, Q1 Q2 / R²। ये जो है वैल्यू, ये के की जगह है, के बराबर है, सही है, ये जो वैल्यू है वो के बराबर है Q1 Q2 / R², डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर लाएंगे, तो देखो सिंपली के फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो इसकी वजह से जो है फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। सही है, तो मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू बराबर होती है 1/4 πε₀, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। सही है, और प्रॉब्लम में आपको सिंपली एक बता दूं कि इफ़ टू चार्जेस ऑफ 2 μC ईच हैविंग रेडियस ऑफ 2 cm, व्हाट इज़ कूलम्बिक फोर्स एट ईच चार्ज। यानी कि अगर यहाँ पर बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं 2 μC की, सही है, यहाँ पर भी 2 μC 2 μC, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 cm। सही है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 cm है। अब बोल रहा है कि कूलम्बिक फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान में कितना होगा, वो हमें बताना है। और जैसे कि हमें पता है फोर्स बराबर है के Q1 Q2 / R². सही है, F = K Q1 Q2 / R², तो वैल्यूज़ पुट करें, K की वैल्यू कितनी है 9×10⁻¹। सही है, और Q1 और Q2 की 2 μC, 2 μ means 10⁻⁶। सही है, μ means 10⁻⁶, और × 2×10⁻⁶, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपान में क्या रखेंगे R², तो रेडियस में देखो यहाँ पर सेंटीमीटर मिला हुआ है, यहाँ पर गलती मत करना के सेंटीमीटर का वैल्यू पुट कर दिया, नहीं यहाँ पर 2×10⁻²⁻² रखना है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻²⁻² बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर भी करना है, ये बात याद रखना, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं
कि ये हमें वैल्यू मिलेगा जो इक्वल होगा इसके, वैल्यू सारे कैंसिल कर दिए हैं ये मैंने, वैल्यू इसलिए ऐसे उठाएं जो कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि 2 × 10⁻⁶, सही है, × 2 × 10⁻⁶ अपान में रख दो 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, × 10⁻⁴, सही है, ये 2 × 4, ये 4 में कैंसिल, सही है। अब ये देखो 10⁻⁹ और 10⁻⁶ माइनस सिक्स बन जाएगा −12, सही है, 9 और −12, क्योंकि जब ज़रब होती है तो इसमें पावर जो है ऐड होते हैं, तो अगर 9 −12 आप करोगे तो आपको मिलेगा −3, सही है। तो ये आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 × 10⁻³ मिलेगा, अपान में रख दो अपान 10⁻⁴, सही है। अब ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, सही है, इसको कैंसिल करते हैं +4, सही है। अब कितना बचेगा, प्लस वन बचेगा, यानी 9 × 10⁻⁶। तो +1 तो हर किसी के ऊपर समझा जाता है पावर, तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू बन गया हमारा 90 न्यूटन। कितना इजी था, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका ख्याल करना है, ऐसे ना हो कि हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाए। तो चलिए आगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमें दो चार्जेस मिली हुई हैं। अब ये देखो, ये जो है ये चार्ज, ये Q1 है, और एक मिनट, यहाँ पर जो है प्रोहिबिट,